नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बौद्ध ग्रंथों से बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक वृद्ध और युवा बौद्ध भिक्षु एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। शाम को जब वो भिक्षा मांग कर अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी के किनारे एक सुंदर युवती बैठी थी। जैसे ही वृद्ध सन्यासी ने नदी पार करने के लिए नदी में पैर रखा तो उस युवती ने उनसे आग्रह किया कि कृपा करके आप मुझे भी नदी पार करवा दीजिए। वृद्ध सन्यासी ने उस युवती की तरफ देखा और वह अंदर तक कांप उठा। वह सोचने लगा कि नदी पार कराने के लिए तो मुझे इसे स्पर्श करना होगा और कहीं स्पर्श करने से मेरा वर्षों तक साधा हुआ संयम ब्रह्मचर्य डामाडोल ना हो जाए। वृद्ध सन्यासी का संयम बड़ा ही ऊपरी उथला बड़ा ही सतह मात्र पर रहा होगा, गहरा ना गया होगा। नहीं तो स्त्री के छूने मात्र से जो खंडित हो जाए वह कितना गहरा होगा। तो वृद्ध सन्यासी ने उस स्त्री से क्षमा मांगी और कहा, देवी मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचर्य हूँ, मैं आपको छू नहीं सकता, इसीलिए मैं नदी पार कराने में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप मुझे क्षमा कीजिए। और ऐसा कहकर वह नदी में बड़े तेजी से भागा। वह तो बिल्कुल भूल ही गया कि युवा सन्यासी भी उसके साथ था। नदी पार करने के बाद उसे ख्याल आया युवा सन्यासी का, तो उन्होंने मुड़कर देखा कि वह कहाँ रह गया। उन्होंने देखा कि युवा सन्यासी अपने कंधे पर बिठाकर उस युवती को नदी पार करवा रहा है। वे तो गुस्से से आग बबूला हो गए और सोचने लगे कि यह तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। युवा सन्यासी ने उस युवती को नदी पार कराई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वृद्ध सन्यासी के साथ अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा। वृद्ध सन्यासी को तो उस पर बड़ा क्रोध आ रहा था, तो उन्होंने पूरे रास्ते उससे बात न की। जब कुटिया पर पहुंचे तो वृद्ध सन्यासी से रहा न गया। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने उस युवती को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई, क्या ये तुमने उचित किया? तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो सकता था, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता था? तो इस पर युवा सन्यासी ने कहा कि मैं तो कब का उस युवती को नदी किनारे उतार आया, आश्चर्य है कि आप उसे अभी तक कंधे पर लिए हुए हैं। हम भी वृद्ध सन्यासी की तरह अपने अतीत की स्मृतियों वासनाओं कामनाओं में खोए रहते हैं, उन्हें अपने कंधे पर ढोते रहते हैं। मनुष्य के मन पर बड़ा भारी बोझ होता है अतृप्त कामनाओं का, परंतु यह बोझ मन तक ही सीमित है। हमारा अंतरतम तो शुद्ध चैतन्य है, उसे कोई पाप कोई कालिक कभी स्पर्श कर ही नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आ रही हों तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।